साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं मुकेश कुमार इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक लगातार परेशान हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी आदेश पे आदेश जारी करते जा रहे हैं। जो भी अतिथि शिक्षक फ्रेंड्स अभी सत्र 2023-24 में कार्यरत थे, यदि वहाँ पर हम देख सकते हैं प्रमोशन से जो भी अतिथि शिक्षक बाहर हुआ है, उनके लिए हम देख सकते हैं DPI ने एक आदेश 4 अक्टूबर 2023 को जारी किया था। इससे पहले 3 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया था कि जो भी अतिथि शिक्षक यदि कार्यरत नहीं है और पोर्टल पर नाम है तो उन्हें अनमैप कर दिया जाए। तो इसके संबंध में DPI ने आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं किया जाए, जहां पर है उन्हें वहीं पर रखा जाए। तो हम देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, बड़ी खबर है, आदेश पे आदेश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं DPI आदेश की अवहेलना शिक्षा अधिकारी क्यों कर रहे हैं। आखिर अतिथि शिक्षक का जो पद है वो कैसा पद है, आप देख सकते हैं टेंटेबल पद रखा है। यह अतिथि शिक्षक का जो अनुबंध है उसके संबंध में अभी तक DPI ने आदेश क्यों जारी नहीं किया। अनेक पदाधिकारियों की बात हो रही है और जिला शिक्षा अधिकारियों से भी बात हुई है, जिसमें स्पष्ट है आदेश जारी ना होने के कारण अतिथि शिक्षक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और जहां पर प्रमोशन से हम देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक के जो टीचर आ चुके हैं, तो अतिथि शिक्षक को बाहर कर दिया है। अब समस्या जिला शिक्षा अधिकारी के सामने भी है कि दो पदों पर हम देख सकते हैं कैसे एक पद पर दो व्यक्तियों को कैसे ज्वाइनिंग करा दिया जाए, उनका वेतनमान कैसे निकलेगा। तो इसका भी समाधान है, अतिथि शिक्षक हम देख सकते हैं वह भर्ती है जिसमें कोई भी टीचर लीप ईयर में जाता है, आप देख सकते हैं चार्ड ईयर में जाता है, या अन्य मेडिकल पर अवकाश पर जाता है, या DEd BEd करने जाता है, तो उस शिक्षक को भी वेतन मिलता है, अतिथि शिक्षक को भी मिलता है। तो यदि ऐसा माने तो अतिथि शिक्षक को अभी कार्यमुक्त ना किया जाए और जो है जहाँ रखा जाए। वैसे भी हम देख सकते हैं आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो आदेश तो कुछ DO शिक्षा अधिकारी ने फ्रेंड्स DPI के संदर्भ में किए हैं और कुछ ने DPI के संदर्भ में नहीं किए हैं। अब समस्या वहाँ पर है जहाँ पर अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया। तो मैं इस वीडियो में सभी आदेश का फ्रेंड्स विश्लेषण आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप अंत तक देखें और पूरा देखें, तभी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी आखिर आपको क्या समस्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सके। जो भी अतिथि शिक्षक बाहर हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मैं सभी के समाधान की बात करूंगा। साथ ही आपको फ्रेंड्स वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त हो जाएगी आप व्हाट्सएप ग्रुप की, साथ ही टेलीग्राम की, जिसके माध्यम से आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं और अपनी समस्या समाधान पा सकते हैं। सभी मैं फ्रेंड्स इस आदेशों का विश्लेषण पूरा बताऊंगा, इसका अर्थ क्या है और कैसे अतिथि शिक्षकों को समायोजन किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आदेश है जिला शिक्षा अधिकारी रहली के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें संकुल प्राचार्य के नाम है फ्रेंड्स प्रतिलिपियां भेजी गई हैं कि अतिथि शिक्षक को पृथक करने की कार्रवाई या विस्तृत करने बाबत है, जो कि पत्र क्रमांक संचालक DPI निर्देश अनुसार संदर्भ पत्र 3/10/2023 का हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 4/10/2023 के आदेश के अनुसार कोई भी अतिथि शिक्षक को अनमैप ना किया जाए। साथ ही अतिथि शिक्षक को यदि अनमैप किया जाता है तो अनुल्लंघन होगा। आप देख सकते हैं यह निर्देश DPI निर्देश है, उच्च पथ व्यवहार योजना के अंतर्गत जो भी अतिथि शिक्षक बाहर किए गए हैं उनको फ्रेंड्स पृथक करके अलग ना किया जाए। साथ ही निर्देश अनुसार उन्हें परिपालन में प्रभावित हेतु जो भी अतिथि शिक्षक यदि बाहर हैं रिक्त पद पर कार्य कर रहे हैं, साथ ही अब प्रमोशन से उनका पद भर गया है, वहाँ पर एक पोस्ट है और 2 कर्मचारी पहुँच गए हैं, तो ऐसे में अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। उनके लिए हम देख सकते हैं अगल बगल के स्कूल जो कि आसपास के जहाँ रिक्तियाँ उनका समायोजन करने की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, या टिप आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी ने लगाई है। अतः संदर्भ पत्र क्रमांक 2 के आदेश के परिपालन में स्पष्ट कर दिया है कि प्राचार्य सुनिश्चित करें कि उच्च पथ व्यवहार योजना में कार्य आभार ग्रहण करने से प्रभावित हुई अतिथि शिक्षक को आवामी आदेश तक अब फ्रेंड्स पृथक नहीं किया जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। लेकिन यह आदेश तो हम देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया है, अब अन्य देखते हैं MP में बहुत जिला शिक्षा अधिकारी हैं जो सभी ने इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किए हैं, कहीं कहीं पर ऐसे आदेश जारी हैं लेकिन कहीं उल्लंघन किया जा रहा है DPI का जो आदेश है, जिसका फ्रेंड्स है अतिथि शिक्षक को अब बाहर का रास्ता दिखा गया है। तो ऐसे अतिथि शिक्षक किस तरीके से अब अपना 12 माह का जो अनुबंध है उसका फ्रेंड्स लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि इस जिला शिक्षा अधिकारी ने लगाई है, इसी तरीके से अन्य जिला शिक्षा अधिकारी भी अपनी समस्या को देखते अतिथि शिक्षक की समस्या को देखते उनके पक्ष में निर्णय सुनाए। वहीं देख सकते हैं जहां सिवनी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने यह पत्र आप देख सकते हैं इस तरीके से दिया है, जैसा कि स्पष्ट है अर्थात कि जो नियमित शिक्षक की उपस्थिति उपरांत आमंत्रित किए गए जो अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में भौतिक रूप से तो
कार मुक्त कर दिया जाए, जबकि गैस फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम से इन्हें कार मुक्त ना किया जाए। तो ये ऐसा ही आप देख सकते हैं पत्र क्रमांक में तो इसी प्रकार का अनुबंध आदेश है, हवाला दिया गया है, जो कि 4/10/2023 को जारी किया गया था। इसका मतलब तो यही है। वहीं देख सकते हैं पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही आदेश होने वाला है। जो भी अतिथि शिक्षक अभी जहाँ कार्यरत हैं वो पूरे एक वर्ष के लिए यानी एक सत्र के लिए कार्यरत रहेंगे। जो भी अतिथि शिक्षक हम देख सकते हैं प्रमोशन से बाहर किए गए हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होगी, समायोजन किया जाएगा। अभी भी देख सकते हैं पोर्टल पर लगभग 1500 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनका पोर्टल पर अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो वो भी फ्रेंड्स है अभी दिक्कत में है, उनका बिल जनरेट नहीं किया जा रहा। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अतिथि शिक्षक का जो बड़ा हुआ मानदेय है वो सितंबर माह से भी आप मिलने वाला है, जिसके लिए पोर्टल अपडेट चल रहा है। जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खुशखबरी भी होने वाली है। 18 तारीख के समथिंग हम देख सकते हैं कांग्रेस सरकार भी अतिथि शिक्षक के पक्ष में कोई ना कोई अपने वचन पत्र में फ्रेंड्स है लाभ कि यह आप कदम उठाने वाला है। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अतिथि शिक्षक की कोई भी खबर यदि जानना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।